Good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel. So this is day two, and we know I'm feeling better. मैं भाई मस्त मस्त सोया. मैं लिप्शा नींद इतनी अच्छी आई. 4 घंटे भाई हमको निकलना था 9:30 को. 9:30 को निकलना था. वेनो मेरा डे वन का वीडियो देख रहा. सो लेट्स गो. 9:30 को निकलना था. ऑलरेडी 10 बज रहा भाई सुबह. बंटी भाई क्या कर रहे हैं? अरे चलता रहे भाई. डे टू में. गुड मॉर्निंग. और ये हमारे दो भैंसों की तरफ से भी गुड मॉर्निंग आपके लिए. अभी इनका दूध निकाला जाएगा और हम पिएंगे इसका. अरे भाई साहब अच्छा है यार ये. इस छोटा सा फार्म हाउस टाइप में. आई विल टेक. सो भाई साहब यहाँ पे देखो मस्त यार. तेलों का तेल वगैरह अपनी गाड़ी यहाँ पर लगा दी है. सो भी एक्चुअली वो ऑटो वाले को कल बोले थे 9:30 को आओ बोल के. बट एज यूजल नया टाइम पे कोई आया था जिंदगी में? कोई आया एज दिन तक टाइम पे? हाँ इसलिए. सो आई बी वेटिंग फॉर हिम. अभी थोड़ा सा फ्रेशअप होगा. उसका उसका फ़ोन नंबर भी नहीं लिया यार. नहीं इसके पास है. रिजॉर्ट वाले के पास रहेगा. हाँ उसका फ़ोन नंबर लेके लिटरली अभी ऑटो वाले को करके. हाँ और एक चीज़ क्या बोलते हम कार में नहीं जाने वाले हैं. कार यहीं पर रहेगी. हम लोग इसके ऑटो में जाएंगे. हर जगह घूमेंगे. और हमारे ऑटो आज ऑटो का नाम कुछ रखेंगे. सोचा क्या रखेंगे? ऑटो सूर्या. ऑटो का नाम रख दिया मैं ऑटो सूर्या. तो ऑटो सूर्या से आज जाएंगे हम्पी को. पूरा एंजॉय करते रहो तुम. आखिरी की रात चिंदी होने वाला है. आखिरी आग लगा तो आग लगा तो पहले पहले ये दूसरे का दुकान है तो अन्ना ऑटो अन्ना का लेके आया. जोर से बोलना. आवाज नहीं आता. लाउड यू हैव टू बी लाउड. चपाल है वहाँ. बंटी भाई बोला क्या बोला? यहाँ पे डोसा है ना ऑटो वाला लेके आया एकदम स्पेशल. हाँ. तो इधर आ गया था. अभी अगर सिगरेट आउट हाउ इट इज. अगर अभी डोसा अच्छा नहीं ना ऑटो वाले को बोलते पेमेंट करो बोल के. लाए भी इनोश लाया हमारे को. नहीं तो अच्छा दूसरा देते थे. अरे डोसा डाल दो. 3 मसाला पूरी है. हां पूरी है. 1 प्लेट पूरी दे दो. 2 प्लेट डोसा दे दो. हे तुम्हें आल्सो पूरी. पूरी 2 प्लेट पूरी दे दो ना. हमें मालूम है तू डोसा बनाने वाला है बोल के. बचपन में डोसा फ्री डोसा है. 1 सब्सक्राइबर 1 डोसा फ्री. अभी वो आए हो तुम लोग. ये डोसा कौन खा रहा है मेरे को नहीं मालूम. गालियाँ रखो तो मेरे को. किसको जाना बोल गया? मसाला डोसा उत्तपा डोसा ऑनियन डोसा रवा डोसा तीसरे को जो जो होना सब आ जाओ. बदलो सारे. तो जैसा कि आपने रामायण सबने देखा होगा तो एक सीन है वहाँ पे जहाँ बाली और धुंधकर राक्षस अंदर लड़ते रहते तो एक खून निकलता बाहर से जैसे ऐसे. तो उस टाइम सुग्रीव सोचता मेरा वाली भाई मर गया तो गुफा को बंद कर देता था. तो ये आज पर रूमर्स ये वही गुफा है यहाँ पर पूरा बंद कर. तो वहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना वो सुग्रीव का है. जो पिक्चर है वो जो कार है वो सुग्रीव हनुमान जो है ना सुग्रीव का. दैट इज दैट. तो दिस इज वन ऑफ द वे. यहाँ पे आप जैसे हनुमान टेम्पल को जाते ना तो यू कैन फाउंड दिस ऑन. Thank you.
आप अभी देख रहे हैं बॉर्न प्लेस ऑफ हनुमान जी, ये स्टेप्स है 575 स्टेप्स सो फार बोले, अभी तो चढ़ने में उतना कुछ हुआ नहीं है, फिर देखेंगे कैसा लग रहा है। जय हनुमान बोल के चढ़ जाना। अरे शुरू करें स्टेप ऑफ 575, पूरा पहाड़ के ऊपर है टेंपल हनुमान जी का। भाई 200 स्टेप्स के ऊपर चढ़ गए, सास आ जा रही है। आंटी उतर है? बहुत ही अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा। थके नहीं थके ऊपर चढ़ने के टाइम में? थके तो अभी रिलैक्स हो गए। अभी रिलैक्स। नीचे आने के टाइम अच्छा है ना? अच्छा। चढ़ने के टाइम थोड़ा दिक्कत है? अभी बहुत तो सुकून से बैठ गया इन्होंने। और यहाँ पे और वो है भाई, कैसा तेरा एक्सपीरियंस? हाँ अंकल चढ़ जा रहे, कैसा है एक्सपीरियंस? अच्छा है अंकल? अब उन्होंने चढ़ गया बाद मेरे को अब अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया, जब अंकल चढ़ सकते हैं मैं भी चढ़ सकता हूँ। चलो अभी कॉन्फिडेंस ऐसा फुल हनुमान जी का कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर, अब तो किराक चढ़ने वाला हूँ मैं। शर्म करो, वो अंकल तुम्हारे एज से ट्रिपल एज में होने चढ़ गया। ट्रिपल नहीं, इनटू 10 टाइम्स चला। इनटू 10 टाइम्स नहीं होते एज पे। जय श्री राम। जय श्री राम। 350 स्टेप्स अभी तक आ गए, मेरे को एक पसीना भी नहीं आया, वो अलग बात है, मैं कर्चिफ से पूछ लिया। 350 है और आई थिंक 225 स्टेप्स और है, लेट्स गो। चलो जय श्री राम। चलो जय श्री राम। ये मंदिर है, फाइनली आ गए। फाइनली 575 स्टेप्स चढ़ के आ गए, मंदिर को रीच हो गए। ऑब्वियसली थके हुए तो हैं मैं, बंटी और रेनू। रेनू मेरे से आ थक गया, लेकिन उतना मैंने थका, वर्थ इट है भाई। How do you came to know about this place? Came to visit Hampi. Okay. Been in India for 3 months. Oh, 3 months. 3 months. Nice. We're about a month into it. And we're just working our way up from the south to north. Oh, very nice. So we came from Bangalore, night train up to Hampi. Very nice. And just spending a couple of days exploring around. Nice. So obviously heard about this place. So after this, going to go on? We're probably going to go to, I can't pronounce it, Gokarna. It's also a very beautiful place. So how was the experience with this temple from down to here? Very tiring? Tiring. We haven't quite experienced the temple yet, so we just made it up the stairs about a minute ago. How many steps are there? Three? It's 575, to be precise. It felt like it, yeah. It was. quite, as you can see, sweaty. Almost, man. You're wearing a t-shirt, because I'm wearing a black t-shirt, so sweat is not visible. So if I was wearing a white t-shirt, even my sweat should be visible. So that's a difference. Cool. Thanks for talking to us, man. No worries, my pleasure. Look after yourself. Jai Shri Ram. जय श्री राम। श्री राम जी, हनुमान जी, राम सेतु का पत्थर है। सो हनुमान जी मंदिर का दर्शन हो चुका है, 575 स्टेप्स चढ़ के आ गए मैं, वेनू, बंटी वगैरह। और यहाँ पे जैसे अंदर आप दे सकते हैं, यहाँ पे एक जो रामायण में ब्रिज बना रामा जी के लिए, यहाँ पे वो पत्थर भी रखा है एक ग्लास के, वाटर में वो फ्लोट कर रहा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। और वहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं वहाँ पे, एंड लिटरली बोल रहा हूँ 575 स्टेप्स चढ़ के ना पूरा वर्थ है।
literally worth it. And you should really visit if you come to Hampi. This is important. और अभी जैसे मैं बोल रहा था वेनु को, जो अभी नीचे उतरने में तो ईजी है भाई, सेम टू सेम, नो प्रॉब्लम है. छड़ने में थोड़ी तकलीफ होगी, बट लेकिन बिना तकलीफ के ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता. जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे, एक दिखा था आपको, सॉरी सर, यहाँ पे देख रहे हो आप, मस्त सर, हनुमान जी का मूर्ति का पेंटिंग है वो. सो ये मैं बोल रहा था, सो इफ़ यू कम टू हम्पी, श्री हनुमान टेम्पल है, वहाँ पे ज़रूर आ जाना, इट इज़ वेरी फेमस. किसी को भी पूछे तो बोल देता ऐसा कुछ, रियली वेरी फेमस. तो अभी जैसे नीचे नीचे उतरते वैसे वैसे मैं बताता हूँ आपको. छड़ते छड़ते बस सीधा बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाएगी आपको. एंड यू कैन डू इट भाई, 70 इयर्स 75 इयर्स के लोग छड़ रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी बात है वो. और अगर हम नहीं छड़े बहुत बेशरम की बात है वो. और लिटरली संडे के दिन पे अच्छा दर्शन मिल गया और जल्दी मिल गया, दैट इज रियली गुड. सो आई जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो. ये वाला पहाड़ है ना, इसके नीचे आपको झुकना पड़ता है. यहाँ पे एक जगह है, दैट इज देयर, एक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे. हाँ ये जो है यहाँ पे आपको रहना पड़ता है.